What's up you guys, this is Parag and you're watching my channel Parag YT. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज के दिन का मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा था. सो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चला होगा. तो आज का व्लॉग एक ट्रैवलिंग व्लॉग है. सो मैं और मेरे दोस्त के साथ जा रहे हैं हम गोवा. सो बहुत एक्साइटेड है, एक महीने से वेट कर रहे थे क्योंकि एक महीने पहले हम लोग ने टिकट बुक किया था और बहुत ग्रुप में बहुत जन के कैंसिलेशन के बाद बहुत मतलब ग्रुप में बहुत जन ने कैंसिल वगैरह किया था. बहुत कोशिशों के बाद फाइनली हम जा रहे हैं गोवा. हम 6 जन हैं. सो अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ. मेरी ट्रेन हमारी ट्रेन 1 बजे की है रात को. तो मेरी कुछ पैकिंग बाकी है तो हम पैकिंग करते हैं और फिर मैं तुम्हें हमारे मेरे ग्रुप से मिलाता हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है. सो अभी मैं मिलता हूँ डायरेक्ट तुम्हें मेरे गैंग के साथ स्टेशन पे. सो स्टे ट्यून एंड स्किप मत करना कहा भी, बहुत मज़ा आने वाली है. सो एंड तक रहना, बाय. ओके सो गाइज फिलहाल अभी हम थाने स्टेशन पे, आप पीछे देख सकते हैं और अभी हमारी ट्रेन है 1 बजे की. और तो ट्रेन का वेट कर रहे हो, मेरे साथ मेरी गैंग है. मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था. वेट सोनल, क्या बोलना चाहते हो भाई मेरे ब्लॉग में? आपने कुछ सामान वीमान नहीं लाया ले? मैं गोवा जा रहा हूँ और मैंने एक भी बैग मेरे साथ नहीं है. डायरेक्ट जॉब से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ने यार थाना पहुंचा हूँ. अभी देखते हैं जो शॉपिंग वॉपिंग जो कुछ करने सब हम गोवा में करेंगे. एक नंबर बहुत फोन करने वाले. लालू क्या बोलना चाहेगा? लालू खा रहे विमल. ये सागर सलवाजी हाय कर. हाय. ए सुदाम गाला ऐकते सुदाम इकडे बघ इथं बघ. हॅलो कर. हा ऋषी हॅलो. दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन गोवा. ओके. बहुत मजेंगे, बहुत पिएंगे, बहुत घूमेंगे. ओके एक नंबर. तो अभी ट्रेन का वेट करते और अभी मिलता मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद. तो पीस आउट. सो गाइज हमारे ट्रेन का नाम है, कौन सा नाम है ट्रेन का? मडगांव एक्सप्रेस. लोकमान्य तिलक मडगांव एक्सप्रेस. तो अभी ऑन द मेरे ट्रेन सामने है ट्रेन. तो मैं आपको बताता हूँ सब अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है क्या नहीं. सो स्टे ट्यून, अभी ट्रेन आई है, सब चढ़ के सब हिसाब में गैंग गैंग. अभी ट्रेन आ गई है गाइस. अभी अंदर चढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ. सब 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 लोग एक्साइटेड है, सब लोग फुल जोश में, मजा आएगा गाइस. अभी ज्यादा शोर नहीं करते क्योंकि सब लोग सोए इधर. मच्छी मध्य फुलटे आपको बता दो आगे जाके. स्टे ट्यून. आगे उसी दे रिपब्लिक ला जरा तुला कोण घ्यायला उचित झोपलेत रे. लालू क्या लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है अपना गोवा जाना. मावा खा के गोवा पता पूछ. इधर भी ऐसी डब्बा है हमारा कि ये जनरेशन. अच्छा अपने एयरप्लेन में क्या ट्रेन में जनरल शिप का आए एसी में, कितना नसीब है अपना.
थिविम स्टेशन, यहाँ पे सब गैंग है मेरी, सो कंटिन्यू करते आगे। गाइस भीड़ देखो कितने, गोवा जाने के लिए सब बॉम्बे से बॉम्बे। ये सब गोवा जाने के लिए। सो गाइस अभी हम थिविम स्टेशन के बाहर है, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। देखते हैं अभी यहाँ से कैलंगुट बीच जाना है, सो कौन सा टैक्सी मतलब या फिर बस परवड़ता है हमको, तो उस हिसाब से जाएगी। सो वही सब चल रहा है अभी, सब अपने खोज में चल रहे, देख रहे दोस्त लोग। सो स्टे ट्यून एंड बता दो मैं आपको क्या क्या हिसाब है इधर से, नहीं क्या कितने में पड़ता है सब कुछ। सो स्टे ट्यून एंड एंड तक देखना प्लीज। तो थिविम स्टेशन के बाजू में एक चर्च है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। तो गाइस हमको ये गाड़ी मिल गई है, तो यहाँ से हम लोग कैलंगुट जा रहे हैं। सो हमको बोल रहा है ये बार्गेनिंग चल रही है थोड़ी, तो वही 600 बोल रहा है, हम लोग 6 जन का, हम लोग 500 बोल रहे, तो देख रहे हो मान गया। तो आगे मिलते हैं। ओके सो गाइस अगर आप गोवा आ रहे हो और थिविम स्टेशन पे उतर रहे, तो उदय काका सावंत है ये, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो आप इन्हें को कांटेक्ट करना और ये आपको थिविम स्टेशन से पिकअप करेंगे एकदम रिजनेबल प्राइस में। सो सावन काको को एक बार कांटेक्ट करना जरूर थिविम स्टेशन पे आए तो, यहाँ पे सब डिटेल आएगा। फाइनली हम हमारे रूम के अंदर पहुंच गए, और जो लास्ट टाइम हम लोग थे वहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे। सोनल क्या 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 बोल रहा है भाई, कैसा लग रहा है अभी कभी लग रहा है ये बाबा, ये मेरे पीछे सब शॉपिंग करने के लिए, मतलब हमारा रूम इधर ही और ये बाजू में ही, तो बहुत एडवांटेज है। बट हम लोग ने सब कुछ लिया ऑलरेडी, तो लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है वैसे। सो अभी देखते रूम को, रूम बताता हूँ कैसा है क्या नहीं क्या नहीं, और आपको रूम के बारे में भी आपको डिटेल सब दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो स्क्रीन पे आता ही रहेगा। तो अभी रूम में रख दे, आपको बता दो रूम कैसा है क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। तेरा JCS यह हमारा होटल है, यहाँ का एंट्रेंस है, अब ये एंट्रेंस है होटल का, आप देख सकते हो। ओके सो गाइस अबे फाइनली हमको हमारा रूम मिल गया है। सो ये है रूम, तो गाइज मैं रूम टूर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक ही रूम उन्होंने एडजस्ट करके दिया और एक रूम करना बाकी है, तो जो पूरा आएगा रूम, तो मतलब एक जन है अंदर, वो उनका चेकआउट इवनिंग को है, तो जब हो जाएगा उनका सब तो आपको पूरा रूम टूर दूंगा। सो वही। ओके सो गाइज दिस इज़ आवर रूम, 3 बेड है यहाँ पे, मिरर है, AC, फैन, और यहाँ पे पीछे वॉशरूम, एक यहाँ पे फ्रिज भी, एक टेबल है, और एक यहाँ पे गादी भी दी है हमको। सो ही, और यहाँ पे ये बालकनी से ऐसा व्यू आता है, ये पीछे साइड का बालकनी है, यहाँ पे भी सामने होटल से ये फ्रंट व्यू है। काफी ब्यूटीफुल व्यूज है यहाँ पे। सो गाइज ये रूम हमको पर डे 6 जन के हिसाब से हमको पर डे हमको ये 1500 में पड़ा। सो हमने
तीन साढ़े तीन दिन के टोटल 4 या 4,500 दिए, तो ऐसा कुछ है। अगर आपको आप बागा बीच के पास ही रहना चाहते हो, मतलब बागा बीच यहाँ से 200 मीटर दूर है, सो अगर आपको यहाँ पे आना है बागा बीच पे, बस सॉरी आपको गोवा आएंगे अब जब जो आपको अगर जब भी गोवा आना है और आपको बीच के नज़दीक चाहिए बागा बीच के नज़दीक, तो ये होटल बेस्ट है। जेसीस सब डिटेल आ जाएगा, जेसीस करके नाम है, तो सब डिटेल मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे भी, सो आप आके विजिट करना। ओके पीस, ओके दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइज प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है गोवा का, तो स्टे ट्यून, और इसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नया वीडियो है उसका अपडेट मिलता रहे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।